दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री में आज सुबह 4:30 बजे आग लग गई थी। आग को बुझाने में अभी तक करीब 35 गाड़ियां लगाई गई हैं। आग इतनी भयंकर है कि काफी मशक्कत के बाद भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। आपको बता दें, नरेला में हजारों फैक्ट्रियां हैं जो एक दूसरे से सटी हुई हैं। यहां रात से दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं, पर सुबह 5 बजे से दमकल की गाड़ियों को आजादपुर मंडी में आसपास जाम मिला, जिस कारण कई दमकल की गाड़ियां जाम में फंस गई। इतनी सुबह और ऐसा जाम भी दिल्ली के लिए चिंता का विषय है। जहां आग लगी है वहां दमकल की गाड़ियां जाम में पानी से भरी फंसी हुई हैं। ये देखिए धुधुकर जलती 4 मंजिली फैक्ट्री। फैक्ट्री में जूते चप्पल प्लास्टिक के शेल बनते हैं और सुबह 4:30 बजे अचानक 1 मंजिल पर आग लगी। जब प्लास्टिक ने आग पकड़ी तो 4 मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास की फैक्ट्रियों को भी खतरा बना हुआ है। आपको बता दें, जाम ही नहीं आग बुझाने में वो निजी कंपनी भी फैल रही है, जिसे इंडस्ट्रियल एरिया में आग बुझाने का टेंडर लिया है। आग बुझाने वाली निजी कंपनी के पाइप का पॉइंट भी संयोग से इसी फैक्ट्री के आगे था, पर उसकी पाइपों में पानी नहीं आया। जब आग के वक्त कंपनी काम नहीं आई तो उस कंपनी को क्यों करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल इलाके की सेफ्टी के नाम पर दिए जाते हैं। आपको बता दें, पूरी बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है, दोबारा मशीनें चलाने लायक नहीं रही। फिलहाल आग को काबू करने का प्रयास जारी है। गनीमत रही किसी जान का नुकसान नहीं, पर माल जरूर लाखों का जलकर राख हो चुका है। जी, कब से आग लगी हुई है, क्या मामला? आग लगी है 4 बजे से पहले आग लगी हुई है, और फायर ब्रिगेड वाले तो आ गए थे। जब मैं आया था यहाँ, जब आगे से धुआं उड़ रहा था, मैं वजीरपुर गया था, वहाँ से आया तो यहाँ पे धुआं उड़ रहा था। मैंने आके देखा तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लग रही थी, फायर ब्रिगेड वाले सारे काम कर रहे थे। और ये जो पॉइंट PNC लगा रखा है, ये पाइप लाइन है, इसमें ना पानी है ना कुछ, सूखा पड़ा हुआ है। आपको लगता है अगर ये पाइप चालू होते, वर्किंग होते, पाइप चालू होते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि अब ये गाड़ियां जा रही हैं, पानी लेके आ रही हैं। अगर ये सारी गाड़ियों के पाइप लगे होते तो अब तक तो आग पे काबू पा लिया जाता, क्या होता। सर बताइए, कितने बजे की कॉल की और किस रूम में आग लगी है? 4:31 पर फायर कंट्रोल रूम को आग की सूचना मिली थी। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में आग है, और यहाँ पे जो इंडस्ट्री है ये बेसमेंट, ग्राउंड और 2 अपर फ्लोर्स की है, जिसमें सोल बनाने का काम होता है, प्लास्टिक का सोल बनाने का, और सारे ही फ्लोर इन्वॉल्व है, बेसमेंट से लेकर ऊपर तक। पर आग को काबू कर लिया गया है, और अभी 2 फ्लोर हमने पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिए, ऊपर के 2 फ्लोर अभी रह रहे हैं, जो कि अभी आग बुझाने का काम चल रहा है उस पर, और अभी कोई हताहत होने की खबर नहीं है इसमें। टोटली कितनी गाड़ियाँ सर? 32 गाड़ियाँ यहाँ पर मौके पर काम कर रही हैं, और उम्मीद है अभी 1-2 घंटे में हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो सर कुछ पता लग पाया कि अंदर कोई बंदा मौजूद है या सब लेबर को निकाली है? ये जो फायर हुई थी ये बेसमेंट से स्टार्ट हुई थी, और आदमी सारे निकल चुके थे तब तक। कितने बजे कॉल लगी थी? और ये भी बता रहेगा कि जो गाड़ियाँ मौके पर पहुँचने में टाइम लगा, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है रास्ते में। बिल्कुल, गाड़ियाँ डिफरेंट स्टेशन से आई हैं, और रास्ते में आज़ादपुर की तरफ से काफ़ी बड़ा जाम है, और गाड़ियों को दूसरी तरफ से हमने डाइवर्ट करके अभी बुलाया है। अभी मौके पहुँच चुकी हैं सारी गाड़ियाँ। सर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट सामने भी लगाए गए हैं जिनमें पानी नहीं है, अगर इनमें पानी उपलब्ध होता तो लगता है कि आग बुझाने में थोड़ा जल्दी कंट्रोल जा सकती है। बिल्कुल, अभी इक्विपमेंट जो लगे होते हैं नेचुरली उनका चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि लगाने से अकेले काम नहीं चलता, वो चलते होने चाहिए। अभी DHLDC में ये लगाए हैं अभी, तो फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने के क्या कुछ उपकरण मौजूद थे सर? अभी देखने से तो ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पे कोई उपकरण मौजूद थे अभी। ये थी नरेला से अनिल कुमार की रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल www.voiceofindia.net।